गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज की न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो 2022 की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। की सुबह आप पीछे तो टाइम देख सकते हैं, मतलब 7 बजने में भी 5 मिनट कम है। और लेट से सोए थे तो लेट से उठे, कोई बात नहीं, अभी हम फटाफट रेडी हो जाते हैं। और रेडी होके सबसे पहले मंदिर चलते हैं, और मंदिर से पूजा करके और प्रणाम करके एकदम शांति फील कर करके आते हैं। हम रेडी होते हैं, तब तक आप भी रेडी हो जाइए। बाय। तो फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और बहुत ठंड है, काफ़ी स्नान स्नान कर चुके हैं, और चलते हैं अभी मंदिर की तरफ। और तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। और आज और सबसे पहले आप सब भी सुबह उठे होंगे, तो सबसे पहले जाकर मंदिर से आइए और हम सब चल देंगे मंदिर की तरफ। और हम सब भूतनाथ की तरफ जा रहे हैं। हम सब के बगल में एक मंदिर है जो कि भूतनाथ है। और हमारे भैया जा रहे हैं फास्ट में। भूतनाथ मंदिर है, ये एक पोखर है, इसका नाम तो है भैरवा पोखर, पता नहीं भैरव बाबा का कुछ बात है इस वजह से उस नाम से पड़ा है। इधर साइड है भूतनाथ। और सब भूतनाथ प्रवेश करके चलिए, मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ देखते हैं जाकर। और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा तो प्राकृतिक नज़ारा है। और दोनों साइड नीचे गहरा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, और पहुंचे नहीं है। वहां जाके थोड़ा सा शांति का फील हो। और हम सब भूतनाथ पहुंच चुके हैं मंदिर, यह है मंदिर। थोड़ा सा यहाँ से हम सब पैर उर धो लेते हैं। यह है अपना एक बाबा, पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, देख लीजिए भगवान है। और हम सब चप्पल यहीं खोलते हैं, चप्पल यहाँ खोल दिए और मंदिर की तरफ चलिए, चलते हैं देखते हैं मंदिर की तरफ। बाहर का ही फोटो लेते हैं, अंदर का फोटो लेने देंगे इतने देंगे। हम सब पूजा करके और उतर चुके हैं। अब पार्वती माँ का मंदिर जाते हैं, वहाँ से पूजा उजा करके आते हैं। वहाँ पर पूजा हो गया माता पार्वती। और यहाँ से वाटिका भी देख सकते हैं, भगवान का मंदिर देख सकते हैं। ये चैम्बर है, बहुत अच्छा, भूतनाथ। और ये हमारे गंगा जी के साइड है, ये गंगा जी है। गंगा जी मतलब अभी गंगा जी नहीं है, वो वाला नाला। हम सब अपने अब चलते हैं घर की तरफ। ये हमारे महादेव के भक्त है, महादेव के मंदिर है। हम सबको एक वो मतलब क्या होता है लोटा, हाँ वो लोटा उटा लेके आना होगा। और जो कि पानी चढ़ाने में, सबको पानी चढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, तो ऐसे ही दिल मतलब श्रद्धा होनी चाहिए दिल में। और कोई बात नहीं है, दिल में श्रद्धा रहेगी तो सब कुछ कर लेंगे। तब तक अपना रूम, और रूम में देखते हैं क्या क्या बना है। ये वीडियो तो अभी ये चल जाएगी, ये वीडियो शंकर भगवान का है, और उधर पिकनिक का अलग वीडियो हो जाएगा, ये वीडियो अभी डल जाएगी।
और वीडियो को दोस्तों यहीं पर करते हैं, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार बोल दीजिए मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए एक बार। चलिए वीडियो को दोस्त यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अभी ही जस्ट अगले वीडियो में। अभी के वीडियो में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। चलिए तब तक यहाँ का पूजा यहाँ तक तो काम हो गई है, दिन भर की ब्लॉग और अपडेट मेरी कहानी मिलते रहेगी। तब तक बाय।